पंचायत चौकीदार संघ हिमाचल प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश भर में पंचायत चौकीदारों ने जयराम सरकार से उनकी मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। इसी के तहत नाहन में भी जिला सिरमौर पंचायत चौकीदार संघ ने विधानसभा अध्यक्ष और नाहन के विधायक डॉ. राजीव बिंदल के निवास के बाहर सांकेतिक उपवास रखा। जब से पंचायतें बनी हैं तब से पंचायत चौकीदार पंचायत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने हमारी हर मांग को जो है अस्वीकार किया है। जो हम सरकारों से अपनी पॉलिसी के बारे में, अपने नियमिति के बारे में अपनी मांगे रखते थे, आज तक सरकार ने हमें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। इसलिए हमारी स्टेट कार्यकारिणी ने एक जिला मंडी में एक अपने स्टेट की कार्यकारिणी की बैठक रखी, जिसमें यह निर्णय लिया कि हर ब्लॉक में निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत चौकीदार अपने अपने विधायकों को अपने मांग पत्र देंगे, अपनी मांगों को लेकर अपना एक उपवास रखेंगे और अपनी मांगें जो हैं अपने विधायकों को सौंपेंगे। हमारी मांगें जो हैं कि जो 3 साल से 8 साल के कार्यकाल वाले जो चौकीदार हैं उनको जो है दैनिक भोगी बनाया जाए और 8 वर्ष पूरा कर चुके चौकीदार को जो है नियमित किया जाए और सेवानिवृत्ति उपरांत जो है उनको पेंशन सुविधा दिलाई जाए। हमारी मांगें ये 3 सरकार से हैं जिनको हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी इतनी कम तनख्वाह में, इतने कम मानदेह में हमारे परिवार का पालन पोषण बड़ा ही असंभव है। इसलिए हमारी सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमारी पॉलिसी बनाए। बिंदल जी के आवास पर बैठे हैं, हमें आज 1952 से आज तक आज सिर्फ 4,000 रुपये मात्र तनख्वाह दी जा रही है, जिसमें हमारे बच्चों का गुजारा पालन पोषण भरपेट रोटी नहीं मिल रही है। इसलिए हमें सरकार से, मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से ये गुहार लगाए हैं कि हमारी पॉलिसी बनाई जाए ताकि हम अपने बच्चों का अपना पालन पोषण सही प्रकार से कर सकें। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।